गोरखनाथ मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित वाल्मीकि रामायण पर आधारित संगीतमय रामकथा के दूसरे दिन कथा व्यास जगतगुरु स्वामी रामानुजाचार्य राघवाचार्य महाराज ने अयोध्या धाम का वर्णन करते हुए कहा कि अयोध्या में बहने वाली सरयू नदी परमात्मा के अश्रु से निर्मित मानसरोवर से निकली है, इसलिए उसका नाम सरयू है। हम सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के कथा को सुनकर अपने मन को मानसरोवर बनाना होगा, तभी हमारे अंतःकरण में से माता सरयू का प्रवाह होगा और उसमें भगवान राम स्नान करेंगे। कथा व्यास ने कहा कि जीवन में कर्म, ज्ञान व भक्ति, इन तीनों की आवश्यकता होती है। ज्ञान और भक्ति के बिना कर्म व्यक्ति को नीरस बना देता है। जीव को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए ज्ञान रूपी घोड़े और कर्म रूपी लगाम की आवश्यकता होती है। इन दोनों के द्वारा जीव परमात्मा की भक्ति प्राप्त करता है। भगवान की प्राप्ति आचार्य अर्थात सद्गुरु के सहयोग के बिना नहीं होती। सद्गुरु ही भगवान का उपदेश शिष्य को करता है, तभी उसको ज्ञान होता है। कथा व्यास ने अयोध्यापुरी का वर्णन करते हुए कहा कि जिस प्रकार मत्स्य का आकार होता है, उसी प्रकार से अयोध्या का आकार है। अयोध्या में 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी है। कथा व्यास ने कथा में भगवान राम के जन्म की कथा सुनाते हुए कहा कि जैसे सांभर की झील में जो वस्तु पड़ जाती है वो नमक बन जाती है, उसी प्रकार आनंद कंद भगवान की कथा के श्रवण के माध्यम से जीव भी ब्रह्म हो जाता है। जब प्रभु राम पैदा होने वाले थे, सभी देवता आकर माता कौशल्या के गर्भ की स्तुति करते हैं, क्योंकि माता कौशल्या के गर्भ से स्वयं परम ब्रह्म प्रकट होने वाले, जो दुष्टों का नाश कर धर्म की स्थापना करेंगे। कथा में श्री राम के प्रकट होने पर व्यास मंच से भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी का गायन हुआ, तब भक्तजन झूमने लगे।
भगवान अपने समान को नहीं सकते, वो कर रहे हो।
Thank you.